है अभी रावल जी ने, रावल जी बता रहे थे, चलो मेरा नाम है रावल ना लगा करो। अभी उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है और कहने लगे कि वो 10 मिनट बोलेंगे। बस असली और सच्ची बात यह है 10-15 मिनट में तो गला गर्म होता है और उसके बाद व्याख्यान शुरू होता है। तो मैं गला गर्म कर लूंगा, व्याख्यान फिर कभी सुनाएंगे। ये बात मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले सिलसिला देने दिलाने का चल पड़ा तो मुझे कहेंगे भाई बात तो बहुत पता गया, दिया दिलाया कुछ नहीं। इसलिए आपके आर्य समाज के लिए 11,000 रुपए है। और भाई पूछ मैं आ जाओ एक आदमी मुझे देखिए मेरा नियम है जो विद्वान लोग यहाँ आए हुए हैं उनका भी पहले हम सम्मान करें और हमारे देवी करी रही। ये बहुत अच्छी परंपरा है, जितने भी पुरुष माताएं वो दिखाई देती थी तो उन्हें देखकर मुझे अपनी दादी याद आ गई। बिल्कुल लोग भी ऐसे आओ जी। तो सबसे पहले आओ जी सन्यासी जी महाराज आप भी आ जाओ इधर आगे आ जाओ इधर आप कुछ मेहनत कर लो। बात मैं इसलिए कहता हूँ पिछले दिनों दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सारे देश के आर्य समाज के लोगों ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया और ये इतना बड़ा ग्रंथ निकाला और इसमें अमर स्वामी जी के और साहब के पुराने विद्वान के लेख तो हैं लेकिन नए भी बहुत। ऐसा मैटर एक जगह कहीं नहीं मिलता है, विद्वानों की चीज़ होगी इसलिए जो खास खास है उन्हें मैं दे दूंगा। सबको तो मैं दे नहीं सकता पर उन्हें और पुस्तकें दे दूंगा। और इतना बड़ा काम बिजनौर क्षेत्र में कर रहे हैं, कितने लोगों को शुद्ध कर दिया। तो ये वीर सपूत हैं आर्य समाज के। आ जाए
इसीलिए इस गांव में मुझे आकर इसलिए अच्छा लगता है। सारे देश में बड़े बड़े सम्मेलनों में जाने का अवसर मिलता है, पर वो इसलिए कि जब मेरी उम्र 60 साल की हो गई तो बच्चों ने मुझे रिटायर कर दिया। तो मैंने भाई मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँ? मैंने जा सहाय वो ही चले जाओ, मतलब समाज की सेवा। तो मुझे हमारे परोपकारी का अजमेर में बहुत बड़ा सम्मेलन था, उन विचारों का बहुत प्रबल आग्रह था, सारे देश के लोग वहां इकट्ठे होते हैं। मैंने भाई मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं वहां नहीं जा पा रहा। तो वहां के जो मंत्री आजकल कलरी कन्हैया लाल आ रही है, गुड़गांव के उद्योगपति हैं, कट्टर आ रही है, कई पुस्तकें लिखी वो मंत्री। तो जहाँ कहीं मुझे मिलते हैं मैं वो जाता हूँ तो मेरे नाम के साथ लगाते हैं स्वर्गीय ठाकुर विक्रम सिंह। तो जहां भी जाओ मुझे स्वर्गीय कहते हैं, तो लोग हंसते हैं। तो मैंने भाई मुझे आपने आशीर्वाद दिया 80 साल पूरे होने पर, अब मैं 81 का हो गया, 82 चल गया। तो मैंने भाई आपने 100 वर्ष का आशीर्वाद दिया, मैंने भाई 100 वर्ष तो मुश्किल है पर 5-5 साल बढ़ाता रहूंगा। तो इसलिए परमात्मा ने हम सबको मनुष्य जीवन दिया है और ये कर्म योनि है, कर्म आपके हाथ में है, तो कर्म करते जाओ, निठल्ले मत रहो। गुरुवन ने वे कर्माणि दीजी, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो और कर्म करते रहो, निठल्ले नहीं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी यही है। और इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, निवेदन करता हूँ आप सबसे बच्चों पर, अब कहाँ गई वो हमारी बेटी जो गीत बोला इसने, ये गीत शंख के बजाने से घर बापी नर जाए कर गदाई क्यों ना तय जिसके शंख जैसे स्वर है, ये अब से 70 साल पहले गीत सुना हमने, 70 साल पहले सुन ले, कब का गीत, कब का क्या संस्कार आया। तो जितनी बच्चे आप सब, ये सबके संस्कार हैं, सुनने से, बोलने से, बैठने से, पढ़ने से, ये सब संस्कार बनते हैं। तो बच्चों को संस्कारित करो। तो मेरे पास हमारे चौहान हैं, बलवीर सिंह चौहान, बहुत पुस्तकें लिखी हम घरौंडा के, नोएडा में उनका बेटा कहीं रहता, वो आते रहते मेरे पास भी आते। तो उन्होंने कहा कि आर्य समाज का तो बहुत हो गया आपने, 20 वर्षों तक कर दिया, अब इस राजपूत समाज का कुछ कर दो, मतलब जाति के आधार पर आजादी के बाद देश में बहुत बड़े गहरे कठिन, इस देश में जीना मुश्किल हो गया। जितना पतन आजादी के बाद हुआ है उतना आजादी से पहले नहीं था। क्यों? अरे गहरे नतु गहरे लोकसभाओं में, विधानसभाओं में, नगर पालिका में, यानी हमें जाता जाने का अवसर मिलता है कई बार। तो क्या होगा, ये भूतपूर्व विधायक हैं, मैंने भूत को इकट्ठे कर रखे भाई, भूतपूर्व, ये भूतपूर्व एमपी, ये पार्षद है, क्यों? ये इतने बदमाश हैं, चालाक है, राजनीति जो है ना, ये संविधान जो है कूड़े का ढेर है, जहां तहां से इकट्ठा होकर बना दिया, संविधान से देश चल रहा है, कोई भी खड़ा नहीं, क्या है भाई? संविधान तो परमात्मा का वेद था, उसके बाद में मनुष्य मृति है, और उसके बाद अच्छी सच्ची बात का तो सरकार फिर कहा, इससे बड़ा कर्म कौन सा है, इससे बड़ा संविधान कौन सा? तो सत्याभिशास पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ और अपने बच्चों को संस्कारित करो, और अपनी पवित्र कमाई जो है उसमें से थोड़ा बहुत अच्छे कार्यों में जरूर लगा करो। तो ये आप सबको देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जो 60 साल के हो गए, बड़ी अच्छी बात है, हमारी 60 साल से ज़्यादा की महिलाएं तो कम हैं, जवान वो बेटी हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब भाई मैंने सबको कह दिया भाई 20 साल तक मैं गाँव में रहा, खेती की मैंने, और
उसके बाद में फिर आर्य समाज के उसमें रहा। 40 साल तक आर्य समाज की सेवा की। मैं एग्जाम के वेद अलंकार बैठे हुए, ये मामूली आदमी नहीं है, अलीगढ़ के पुनीर हैं, जिसमें कभी कह देता हूँ तो हंसते हैं बहुत। और दिल्ली में इनका रोब दो है, ऐसे ही नहीं कोई, लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो 40 साल की उम्र हो गई, फिर मुझे देखना पड़ा भाई अब क्या करूँ, गृहस्थी खर्चा सारा, फिर अपने काम शुरू किए। जब 60 साल की उम्र हो गई, बच्चों ने मुझे रिटायर कर दिया, उनकी पोजिशन इतनी हो गई, वो 10-20-50 लाख रुपए खर्च करने पड़े तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं 72 साल का हो गया, मुझे 72 लाख रुपए लाके देने लगे। रखिए मेरे पास क्या है, आप 72 साल के हो गए हो, फिर कहे 72 लाख रुपए आपके जन्मदिन के हैं। मैं तो सारे दिन जन्मदिन मनाया नहीं। ये घड़ी है 60 साल पुरानी और बिल्कुल ठीक टाइम देगी, मुझे जरूरत ही नहीं। और आप हंसोगे, अभी दिल्ली हाट में खादी भंडार का वो लगा हुआ है, मंत्री ने उद्घाटन किया मांझी ने। मैं कल बैठा था, मन में आप ही ऐसी चला जाऊं, मैं घूमने चला गया रविवार को फुर्सत की थोड़ी, तो खादी मैंने कहा ये कुर्ता ले लूंगा। अब आप बताओ ये कुर्ता मैंने कल खरीदा कितने रुपए का होगा, अच्छा ये बताओ आप। एक कहेंगे 1500 रुपए का होगा, कोई कहने लगे कि नहीं ज्यादा लग रहा है। मैंने आप बताऊं कितने का, दो कुर्ते खरीदे 1300 रुपए के, 650 का मेरा खर्चा भाई, 2-4 कुर्ते पजामे। और जब आज से वर्षा हो गया, अब आपने कितने सुंदर लेक्चर सुने भाई, केवल इसी में मत उलझे रहो, बहुत हो गया। अब योगाभ्यास में समय लगाओ, उस परमात्मा का आधे घंटे ध्यान करते हैं कभी, आपकी बात नहीं करता मैं, जो 60 साल के बैठे बताओ 10 मिनट बैठते हो कभी, है? मैं नहीं बैठा कभी, और क्या बताऊं। फिर मैं 10 साल से 25 से अलग रहता हूँ, और अलग रहने की आदत हो गई, 3-4 बजे उठता हूँ, और उठ करके फिर 1 घंटा बैठने की कोशिश करता हूँ। मैं सच बात के 1 घंटा क्या, आधा घंटा भी नहीं बैठा जाता, और आधा भी क्या, दिमाग इधर उधर जो आता है। अब कल को बैठूंगा तो आप सब याद आ जाओगे भाई, जब तक इस झमेले से नहीं निकलोगे ना, तब तक योगाभ्यास नहीं होता। तो इसलिए मैंने, बच्चों ने मेरी कुटी बना दी है, ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बन रही है हमारे यहाँ सलावा पावर हाउस के पास, मेरठ से 20 किलोमीटर है। तो वहां दोनों गंग नहर के किनारे हमने 20 बीघे जमीन खरीदी, और वो इसलिए खरीदी थी, यहाँ गुरुकुल बनाएंगे। स्वामी प्रणवानंद से मैंने कहा, महाराज गुरुकुल बना रहा हूँ, जमीन ले लो मैं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदी। स्वामी जी कहने लगे, जमीन और जब पैसे सब मिल जाते हैं, पर गुरुकुल को चलाने वाले लोग नहीं मिलते, क्या करें। तो इसीलिए फिर मुझे वहां पर अपना मंचूरी कॉटेज बना दिया है, अब पूर्णमासी को वहां यज्ञ करते हैं भाई। बार बार आना जाना मिलना जुलना मेरे बस की नहीं है, तो पूर्णमासी को सारे क्षेत्र के आर्य समाजी लोग, हमारे 24 गांव हैं सोमराजपुतों के, 24 की जगह पर 30 हो गए हैं, उन सब 30 गांव की हमने कमेटी बना दी, उसके लोग तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं पूर्णमासी को। और हमने नियम बनाया हुआ है, ये मरियल नहीं भाई, कम से कम एक पूरी सामग्री, एक कनस्तर घी और सारी चीजें लाओ, बढ़िया भोजन, बढ़िया भोजन और बढ़िया आनंद से लो। तो 14-15 तारीख को आपकी पूर्णमासी, चूंकि कार्तिक की पूर्णमासी है, वहाँ मेला भी लगता है, दंगल भी होता है, तो इसलिए मैंने अलका जी से कहा भाई आप आ जाओ। तो अलका जी कहने लगे मेरे को तो टाइम ही नहीं, क्योंकि ये बिजी बहुत रहती है। मैंने कहा देख लो, तो अभी उन्होंने कहा भाई 14 को मैं जरूर आऊंगी। अब आप इसलिए नहीं कहता भाई, आप इतने दूर आ नहीं सकते, पर आसपास के सब लोग उमड़े पड़ते हैं, अच्छी बातें सुनने और सुनाने वाले लोग होने चाहिए। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने एक साल, आपने रोज ये जो होता है ना,
ये बहुत बड़ी बात। देखो रोज ये जो था साप्ताहिक सत्र होता, अभी मैं कई गांव में जाने का अवसर मिला, जातिवाद की बात नहीं करता, एक बात कह के समाप्त करता हूँ, जातिवाद तो मनुष्य जाति है, और कोई कहीं पैदा हो गया मेरे आपके हाथ में तो है नहीं, कौन कहाँ पैदा हो गए तो परमात्मा जा रहे, और हमें किसी को बताओ बताओ कहाँ से आए और कहाँ जा रहे, अच्छा बताओ कहाँ से आए और कहाँ जा रहे, अच्छी यात्रा अच्छा यात्री है, ये पता नहीं कहाँ से आए और कहाँ जा रहे, ये हम लोग का जीवन, इसलिए इन चक्रों में जा देना पड़ा करो। दयानंद की ज्योति जिसमें चक्कर चाहे कहीं पैदा हुआ है वो बनियों में पैदा होगा, लाला लाजपत राय हो गया खड़ा हो गया करोगे क्यों नहीं हुआ, वो कहीं होगा वो कहीं से कहीं पहुंच गए लोग, बड़े बड़े विद्वान धुरंधर हरिजनों में पैदा होकर, भंग्यों में पैदा होकर, आचार्य सुदर्शन मेरे पास है धुरंधर विद्वान तो पैदा हो गए, ये तो उसके हाथ में, पर ये आपके हाथ में आगे बढ़ो, तो इसलिए मेहनत करो पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो, ये बात मैंने आपको इसलिए कही है, लेकिन उनका भी असर होता है, उनका भी असर होता है, नस्लें भी हैं। स्वामी दयानंद जी ने 7-8 के प्रचार किया, अंत में कहां पहुंचे, अंत में से निर्णय पर पहुंच गए केवल राजपूत जाति ऐसी जाति है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, कर्नल डॉट ने ऐसे ही थोड़ा लिख दिया राजपूत को कह दिया, तो इसलिए वो फिर अलीगढ़ से लेकर कर्णवास से लेकर सब राजपूत उन्होंने की सेवा की, मेरठ में क्रांति, हमारे 24 गांव थे, अंग्रेजों ने कहना ये क्रांति वाले हैं राजपूत लोग इन्हें अलग कर दो, तो हमारे खास गांव थे 4-5 वो मुजफ्फरनगर में कर दिए और मेरठ में कर दिए, तो इसलिए खून का असर है, खून का असर मैं इसलिए कहता हूँ, भाई मोदी सरकार को कितने साल हो गए, 10 हो गए और 11 चल गया, मैंने 5 पहले पत्र लिखा था भाई तुम्हारे पास मौका है दो कानून लागू कर दो, क्या सबसे पहले तो परिवार नियोजन लागू करो, 1 विवाह नहीं करेगा कोई, 2 बच्चे पैदा नहीं करेगा एक, और दूसरा गोहत्या तुरंत बंद करो, घर दे बंद, इन्होंने ऐसे बदमाश इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए लोग बनिया बामा इकट्ठे हो गए, गाय और कमजोर इकट्ठे हो गए, बांग्लादेश में मारे जा रही तो तुमने क्या किया है, इससे ज्यादा भीड़ पर इंदिरा गांधी की दाढ़ी रख ली मेरी तरह से, मुझे भी लोग कई बार मोदी समझते भाई नहीं मोदी के, मैंने भाई नहीं मैं मोदी से 8 बड़ा हूं, और आज की नालायक ही है छोटे भाई बड़े की बात मानते ही नहीं, क्यों करो ये काम, इसीलिए करो, 1 गौ पे कट जाती और 1 मुसलमान बढ़ जाते, अखबार तो पढ़ो टीवी तो देखो क्या हो रहा, इसलिए अपने बच्चों को वीरता के संस्कार दो, देसी गाय पालो, इन्हें पहलवान और तगड़े बनाओ, और अपने हथियार भी रखा करो, लाइसेंस के मिले तो लाइसेंस के, नहीं तो वैसे भी रख लिया तुमने, वो पूछ रहा है देश में सब जगह हालत हो रही है, तो इसलिए अपनी रक्षा अपने आप करनी पड़ेगी, याद रखना 10-5 में ऐसे प्रबल संघर्ष होंगे कि मुश्किल हो जाएगा देश में रहना अगर इसी हालत से चले, और कोई करने वाला कुछ नहीं है, तो अपने बच्चों को मिलिट्री में पुलिस में जहाँ ताकत भरो वहाँ भर्ती हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो घर में दंड बैठक लगाओ और वीर बनो और देश को संभालो, आपका बहुत धन्यवाद।